रेनु की घड़ी। रेनु के पिता उसके लिए अपनी विदेश यात्रा से एक घड़ी लाए। रेनु बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ। वाह, यह घड़ी तो बहुत सुंदर है। वह घड़ी रेनू के मन पसंद गुलाबी रंग की थी, साथ ही वह कीमती और सुंदर भी थी। रेनू ने पापा को धन्यवाद किया। अगले दिन रेनू बड़ी खुशी से वह घड़ी पहनकर पार्क में खेलने गई। प्रिया अनीशा, देखो मेरे पापा विदेश यात्रा से मेरे लिए ये घड़ी लाए हैं। उसके सभी मित्रों को उसकी घड़ी बहुत अच्छी लगी। रेनू की सबसे अच्छी दोस्त प्रिया ने कहा, अरे वाह रेनू, ये घड़ी तो बहुत ही सुंदर है, इसका रंग बहुत ही अच्छा है। तभी उसकी दूसरी दोस्त अनीशा ने पूछा, ये घड़ी तुम कहाँ से लाई हो? रेनू ने गर्व से बताते हुए कहा कि यह घड़ी मेरे पापा अपनी विदेश यात्रा से मेरे लिए लाए हैं। काफी देर तक खेलने के बाद जब रेनू और प्रिया घर जा रहे थे, प्रिया ने रेनू से कहा, जरा अपनी घड़ी में देखकर बताना कि समय क्या हुआ है। अरे प्रिया, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, चलो पार्क में ढूंढते हैं, यही कहीं होगी। रेनू, इधर तो कहीं भी तुम्हारी घड़ी नहीं है, अब तुम घर में क्या बोलोगी? रेनू घबरा गई। प्रिया ने कहा, हो सकता है खेलते समय घड़ी पार्क में ही कहीं गिर गई होगी। रेनू प्रिया के साथ दोबारा पार्क गई और दोनों ने मिलकर घड़ी ढूंढी। उन्हें घड़ी कहीं नहीं मिली। पापा, आज मैं जब खेलकर घर लौट रही थी तब मैंने देखा कि मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, पता नहीं घड़ी कहाँ गिर गई। रेनू ने घर जाकर पापा को घड़ी खो जाने के बारे में बताया तो पापा ने गुस्से में कहा, तुम्हें घड़ी का ख्याल रखना चाहिए था, ऐसी गलती दोबारा मत करना। रेनू निराश होकर अपने कमरे में चली गई। तभी उसकी मम्मी कमरे में आई और अलमारी खोलकर रेनू की घड़ी निकाली। ये लो तुम्हारी घड़ी, अब इसे संभाल कर रखना, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो बेटा। यह देख रेनू हैरान रह गई और बोली, मम्मी यह घड़ी आपके पास कैसे आई? मम्मी ने कहा, जब मैं बाजार जा रही थी तब रास्ते में मुझे वर्षा मिली और उसने बताया कि तुम्हारी घड़ी उसे पार्क में पड़ी मिली थी। मम्मी ने रेनू को समझाया कि हमें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें संभाल कर सही जगह पर रखना चाहिए। माँ, मैं आगे से अपनी चीजों को संभाल कर रखूंगी।